फ्रेंड्स, मैं सरफराज एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में जो है कितने तरह से जो है हम फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर जो है कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप इस चैनल की वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डेटा रखा हुआ है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे फिल्टर करना है और कितने तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप अपने डेटा को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद से आपको जहाँ भी फिल्टर लगाना है वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। पहला तरीका, यहाँ पे आप क्लिक कर लिए और यहाँ पे गए, आप श्योर, आप मेक श्योर हो जाइएगा कि आपने होम पे जो है अपना ये जो है ऑप्शन रखा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद से आपको ऑटो फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल्टर का ऑप्शन जो है यहाँ पे इनेबल हो गया। तो इसको मैंने यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट वाले पेज के लिए। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे करना है, लेकिन मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो फर्स्ट वाला ही पेज होगा यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट वाला ही ये रो होगा। तो मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ पे कैसे फिल्टर लगाऊंगा? हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बना देता हूँ और यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना हो, यहाँ पे आपके कुछ डेटा इंट्री हुआ हो और कुछ यहाँ पे भी इंट्री हुआ, आपको यहाँ पे लगाना हो फिल्टर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी यहीं पे जाएगा। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए कि इसको यहाँ पे फिल्टर लगाना है ताकि मैं नीचे वाला डेटा को चेक कर सकूँ। तो क्या करेंगे, किसी भी डेटा में करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ लगाना होगा उस वाले को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है और उसके बाद से यहाँ पे ऑटो फिल्टर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन इनेबल हो गया। अगर मैं ये यहीं पे लगा दूंगा तो यहाँ पे भी इनेबल हो जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इनेबल हो गया। तो ऐसे करके आप दो तरीके से जो है फिल्टर लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि यहाँ से सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं, दूसरा हुआ कि यहाँ पे आप क्लिक करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ अंदर में भी जो है फिल्टर के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, एडवांस फिल्टर्स का भी ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे आप जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से ओके करेंगे तो उतना ही दूर का जो है आपको सिर्फ फिल्टर लगेगा। क्योंकि मैंने क्राइटेरिया एंगल जो है यहाँ पे मैंने रेंज नहीं लिया है इसलिए नहीं लगा, तो आप अपने हिसाब से भी फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो काम होता है कंपनी में, तो फिल्टर लगा के कैसे काम किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आइटम कोड दिया हुआ है और हम लोग जो है अपने कंपनी में काम करते हैं तो कैसे कैसे फिल्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं जब, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, पहले वाले सीट पे मैं अपना ले चल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा आइटम है तो यहाँ पे बताने में आपको ईजी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फिल्टर नहीं लगाया हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फिल्टर आपको लगा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फिल्टर ओपन हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है बहुत सारा, तो मुझे सिर्फ हाईलाइट वाला चाहिए तो मैं हाईलाइट वाले को कैसे जो है यहाँ पे ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ हाईलाइट, जैसे कि ये ओपन है ना वैसे ही सिर्फ हाईलाइट वाला चाहिए। तो सिर्फ मुझे अगर सिर्फ ये हाईलाइट वाला चाहिए, यानी कि हाईलाइट जितना भी किया हूँ मुझे यहाँ पे वन बाई वन चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा इसको? तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले फिल्टर पर क्लिक करना है, यहाँ से फिल्टर ओपन कर लेना है, ठीक है। पहला तरीका, यहाँ से आप ओपन करेंगे और यहाँ से हमें जो है ये वाला लाइन में जो है ये हाईलाइट वाला ऑप्शंस चाहिए, जितने भी हाईलाइट है वो सब एक जगह चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर आएगा फिल्टर बाई कलर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करने के बाद से ये सिर्फ येलो वाला जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करते ही फ्रेंड्स ये येलो वाला जो है सिर्फ वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ येलो कलर का जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वो वाला यहाँ पे आ गया और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला अगर मैं करूँगा तो ये वाला जितना हाईलाइट है वो आ जाएगा, उसके बाद से अगर मैं ये वाला करूँगा तो फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके आप जो है अपने फिल्टर को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप टेक्स्ट भी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं आप यहाँ से जैसे करना चाह रहे हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैं चाहूँ कि यहाँ पे इतने सारे आइटम हैं फ्रेंड, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बिना बैलेंस वाला है इसको मुझे हाइड करना है तो कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद से यहाँ पे जो ब्लैंक वाला ऑप्शन है ना, देख लीजिए एक बार फिर से, फिल्टर पे क्लिक किया यहाँ पे आ गया, उसके बाद से ये ब्लैंक वाला जो है इस पर क्लिक किया, उसके बाद से ओके पे क्लिक कर दिया, तो जितने भी ब्लैंक है ना वो सारे के सारे जो है ऑप्शन यहाँ से चले गए। ऐसे करके आप उसको यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि हाइड कर सकते हैं। उसके बाद से अगर चाहें कि आप सिर्फ वही वाला ऑप्शन आए ताकि मैं उसको डिलीट कर सकूं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल पे और सिर्फ इसको ब्लैंक वाले को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से ओके कर देना है, तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से इसको जैसे चाहें आप डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इस तरह से आप जो है बहुत सारे आइटम्स को फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो फिर यहाँ पे आइटम कोड के हिसाब से भी सिलेक्ट करके आप फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपलॉको है, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ अपलॉको वाला ही यहाँ पे दिखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे जाना है और जाने के बाद से इसको फिल्टर कर लेना है कहीं भी क्लिक करके। उसके बाद से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो एरो दिख रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टी कंडीशन फिल्टरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपलॉको का जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे मैं इंटर मार दूंगा, ठीक है ना। इंटर मारते ही जितना भी अपलॉको का आइटम्स होगा वो सारे के सारे इसमें आ जाएगा। इस तरह से आप जो है किसी भी आइटम्स को फिल्टर करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स वीडियो है, इसको अगर आपको समझ में ना आए तो फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको काम करने में कभी दिक्कत ना हो। वैसे ही जो है सेम फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आइटम कोड भी चेक कर सकते हैं। जो भी आइटम कोड है यहाँ पे आप उसको आप पेस्ट करेंगे तो वो आइटम कोड का ही सिर्फ आइटम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिल्टर लगाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप ऐसे करके फिल्टर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।